इज इट गुड एलाइजा? और ये सारा माल रोड वाला एरिया, यहाँ भी जाए जी हमारी पहलवान रोड़ी। मुझे लगता है मैंने बीफ की हड्डी पसंद। मैं आके गोलगप्पे ना खा, मैं पर सूखा दर मेरे पेट दर्द शुरू हो गया ना। आगे कश्मीरी चाय ट्राई कर रहे हैं। ये हमारा एक रूम बुक हुआ है। आपकी बहन ने ऑरेंज सूट पहना हुआ है तो दुपे तो बह रहे हैं। अल्लाह खैर करे बखड़ी ना लगो। चश्मे मोहब्बतां दे वगदे और राती मीठे मीठे सपने भी थकदे। बच्चों के लिए बड़ी प्यारी जगह है जी। असी तो थक त्रुट के आ रहे हैं। चलो जी साढ़े गोलगप्पे और भी आ रहे हैं। शर्म करो गड्डी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा सीक्वेंस खेलने लगे हैं। लेकिन मैंने कहा पहले आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं कि आज से दस दिन पहले नमी एक वाकया हुआ है भाई। एक फैमिली गई थी मरी, 10 से 11 बजे फैमिली गई है मरी यहाँ से, तो बड़ी इंजॉय करती हुई जा रही थी। बिल्कुल उन लोगों ने स्टॉप पर रुके हैं, लोगों को भी साथ रखा हुआ। हाँ तो उस फैमिली के साथ क्या हुआ है भाई, 10-11 बजे यहाँ से घर से निकले हैं और बकायदा चकवाल से ही फैमिली गए हैं। मेंगन वाले रास्ते से होते हुए चीज़ें लेके गए हैं। जब पहुँचे हैं मरी, से आधे रास्ते में वहाँ पर उन लोगों ने खाना शाना खाया है। पहुँचे हैं माल रोड पे, KFC खा चुके हैं। जो उनके साथ बंदे थे ना, उन्हें ऐसा लगा कि उनके फ़ोन में कुछ स्टोरेज का इशू बना है। जब उन्हें ये लगा है तो उन्होंने एक दूसरे से फ़ोन एक्सचेंज किए हैं भाई। चलो फ़ोन एक्सचेंज करके आधा क्लिप उधर बनाते हैं आधा उधर। जेड़े वेले उन्होंने ये हरकत की थी ना, उस दे बाद जो व्लॉग बनाया वो तो उन शोदे अंदर रह गया। जो उससे पहले वाला पूरा दिन था वो सारा ट्रिप उन्होंने अंदर डिलीट हो गया। हूँ अल्लाह करे सुन समझ आ गई वो कि शोदी फैमिली बहनू राम मरी का ट्रिप इतना सोहना कवर किया भाई। वो ट्रिप ही स्टार्ट वाला हिस्सा मुक गया। उस ट्रिप तो साढ़े नाल वफा को नहीं की थी। अगर तुसा वेखना होया व्लॉग जी वो फैमिली हम थे। तो उसके बाद माल रोड से हम लोगों का व्लॉग जो मेंटेन्ड है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और तो सही नहीं करना जिन मैंने व्लॉगों में ना की थी, तो सही व्लॉग वेख के ना बैकग्राउंड स्टोरी दस छुड़ी है। बस हूँ वेखते बजो जेड़ी जेड़ी तरतीब है। साड़ी कच्ची हो गई उरी तो चाह मांग बैठे हूँ इन्होंने भी नाल नाल चाह का प्रोटोकॉल देव। इज इट गुड एलाइजा? आए अल्लाह इन्ना फलसफा का भी सुनो ना, की होना आते प्यो, की वाइब है सोड़ी, की वाइब है। एक गल मुकान ना होते हैं बहुत सोरी अपनी कहानी हर पल पाई भी है। बहुत नहीं कैप्टन 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 हो जड़े उस बैठे ना ना नाम बदला कैप्टन रख चुड़ा था भाई और भी डर गए कैप्टन दे गुस्से तो है ना कैप्टन दे गुस्सा बहुत डाला। आई टू आई अच्छा एंड तक हम लोग आए। इतने अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे और ये सारा माल रोड वाला एरिया अच्छा है। मेरी रौनक अच्छी है ना। आपकी बहन के गले में बहुत सख्त दर्द है तो लीजू की मामा ने टोटका दिया। क्या टोटका है वाला? टोटका क्या? लीमू का रस पिए। सिर्फ लीमू का रस पिए तो कांटा निकल जाता है, कांटा मछली का निकल जाता है। आपकी बहन को लगता है भाई मुझे लगता है मैंने बीफ की हड्डी पसंद। हाँ ये तो अल्लाह जाने बहुत खट्टा ना हो पीने तो दुआ करे कुछ थोड़ी बहनों इसका आराम आवे। कोई नहीं भाई जुला वापसी दा रही हूँ मांगने वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। पहले जब हम आते थे पहले नहीं था मतलब ऐसे पिछले साल तक नहीं था और अब बहुत बुरे हालात हो गए। अब तो इन चीजों का इतना कम ट्रेंड हो गया है इतनी ज्यादा पहले हम लोगों ने ये लिए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। ये कितने के? ये अगर हम अपना बनवाएं तो बन जाएगा कितनी देर में? 20-25 दिन। ये अच्छा है वैसे अगर टेबल पे रख लो आपने। ये ठीक है। काश मैं आपको बॉस का मुंह दिखा सकती हूँ। अंकल इन्हें तमीज से खाते है वे खाने की। थैंक यू भाई। जहाँ भी जाए जी हमारी पहलवान रोड़ी अवेलेबल है। यहाँ पर भी कश्मीरी चाय ट्राई कर रहे हैं। दुआ करें कोई अच्छी मिल जाए हमें। भाई बना के दे रहे हैं माल रोड पे।
होटल जो हम रूम चेक कर रहे थे वो मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगा, आपको हमने अपना दिखाया नहीं है। मम्मी कह रही है कि माल रोड वाले एरिए से हम वीडियो बिंड निकलवाना, रश अभी दिल काला पै गया, कहीं पीछे अच्छी सी जगह पे लेते हैं जहाँ पे बॉस का प्लान है लॉन वाला हो, और यहाँ पे लॉन नहीं मतलब ऐसे छोटे छोटे, हमारा दिल है थोड़ी टेरेस बड़ी हो, इस तरह का कोई मिले। भाई इन्हें साड़ा प्लान बनया माल रोड तक, भाई नहीं नहीं अब जो ले नहीं है इन्होंने जो ख्वाब देखे थे यार, आपको ख्वाब क्या था? इन्होंने कहा था मैंगों का मसला नहीं है, कोई बालकनी हो, कोई टेरेस हो, कोई गार्डन हो, यही कहानी थी ना, कोई फिल्माना मॉल था। हूँ जोड़ा सन पे लब दे वो तो एक तो उससे डबल कीमत में मरी के रूम भाई बहुत महंगे हैं, दूसरा इतने गंदे कमरों के हालात हैं। अगर आप नारायण का खान जाए ना यकीन माने तो नारायण का खान में आपको अच्छा कमरा 16-15 या 14 तक का ऐसा कमरा मिल जाता है जो बड़ा VIP होता है, रुंजा वगैरह, और उन जो कमरे तो और सस्ते हैं। यहाँ पे मरी में होटलिंग महंगी और गंदी है। वैसे एक बात बताएं, अभी आगे आपको बताते अपडेट देते रहेंगे साथ साथ, है ना, दसी 3-4 होटल्स चेक कर रहे हैं। अच्छा जी हम 3rd floor पे आ गए हैं, फाइनली हमारा रूम बुक हो गया है। इतनी थकावट बनी है जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। हम लोगों ने कितने रूम बुक किए हैं, 3 रूम बुक किए हैं, ये हमारा एक रूम बुक हुआ है भाई। और कौन कौन से, एक और हमारा कौन सा है, एक ये वाला, मैं आपको तीनों रूम चेक कराती हूँ। एक में भाई लोग अभी बैठ गए हैं शायद, और एक हमारा ये वाला है, वो भी बिल्कुल सेम है, ये सारे सेम है, बस फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या रूटीन है। टाइम तो वैसे वाह हो गया, सारी शैमा हो गई हैं, लाजे तो दूध हूँ बैठी बहना छोड़ी, मत 3 फ्लोर चढ़िया अंत है, क्लियर होया काम सब ने। नो मोर कमिंग, आई डू यू वांट टू ड्रिंक दूध, इनकी भी अम्मी ने नाइटी चेंज कर दी है। अच्छा शाम को हम लोग सो गए थे, फिर क्या हुआ रात को सो रही है अभी, फिर हम लोग जा गए हैं, भीड़ो भीड़ तैयार हुए हैं और उसके बाद निकल पड़े हैं यहाँ से। अभी नाश्ता किसी अच्छी जगह करते हैं, डिवाइडेड हैं, उतर के आपको सबके कपड़े वगैरह चेक कराते हैं, कोई तका हो अगली प्लान के, रश इतना ज़्यादा है, ऐसे स्लोली स्लोली चीज़ें चल रही हैं। वो हमारी बड़ी बाजी हैं, ये हमारे बॉस हैं, कैप्टन है वो, कैप्टन का नाम, हाँ ये कैप्टन है, ये अलाइजा के साथ उनकी जुबैदा खाला, ये हमारी अम्मी जान, ये अलाइजा की मामा, और ये हमारे भाई जान, और ये एक और बॉस है हमारे साथ, दो बॉस हमारे घर के, दो जिनका जो दुनिया में नकार रहे हैं, जिनका जितनी भी कोई काम नहीं है, पर बस पेंची बोन लबी हुई है। आए हुए कहाँ पे रुके, आपको जगह चेक कराते हैं, होटल से निकले हैं बस, जो नाश्ते की जगह हम बहुत लेट हो गए, सिर नुतराटा पाउन लग पाइया, उसमें तो कहने अभी एग्जैक्ट असं आए हुए कितना। ये जो है ना पाकिजा, यहाँ से हमने पराठे और आमलेट और चाय शाय मंगवाए, तो बड़े टाइम बाद आपकी बहन ने पॉलिश लगाई है आज, लगाई तो पील ऑफ वाली है, वीडियो बीड़ला है मंजर, फिर ये मसला बना, आपकी बहन ने ऑरेंज सूट पहना हुआ तो दुपे तो बह रहे हैं, अल्लाह खैर करे बखनी ना लग पाऊँ। इतना गर्मी का मसला हल नहीं पाँगा, हूँ चन्ने आसी भी खाना नाश्ता शुरू करा अपना, देखो कोई डिस्टर्बेंस बनी बाहर हो गए, नाश्ता हो गया जी हमारा, इतना फाइन नाश्ता था, इतना फाइन था जिसकी इंतहा नहीं है। और ऐसे हमने चने कितने मंगवाए, 2 चने 3 दाल माश मंगवा ली थी, और वाह वाह पराठे थे और चाय, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे आमलेट 4 हो गए थे, बाद में फिर आया था एक से, खाना बहुत अच्छा था, आप भी ट्राई करिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। साढ़े बच्चे नसाऊँ तो गर्म कपड़े थोड़े पवाए, पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। अलाइजा कहीं से हाय, मॉन्स्टर बड़े पे मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे, पैर ना जमीन उत्ते लग दे, लखा चश्मे मोहब्बतां दे वग दे, और राती मिठे मिठे सपने भी थक दे, ना गल मेरे वस दी रही, झूठा सच्चियां वरगाए एवें मच्छियां वरगाए, तेरियां फिकरां नू मैं तां ਨਿੱਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਅਕਲ ਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾਏ आ गए सालगरा, ये वैली पार्क है पता नहीं कौन सा, वैसे पानी में हमने क्या पाँव लटका है, मम्मी लोग आते हैं तो यहाँ से आगे चलते हैं, कोई तो खास यहाँ पे मज़ा कोई नहीं आ रहा, बच्चों के लिए बड़ी प्यारी जगह है जी, हंसी तो थक त्रुट का आ रहे हैं, बहुत सारी भी आया है, एक एक डीपी गिदी अपनी बहुत शोधे, किसी खंडर लगे गए राह जिसकी वजह से लेट हुए हैं,
उसमें क्या नुकसान हुआ है कि इनके सर में दर्द शुरू हो गया। ये देखिए वैसे जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो यहाँ पे मस्ट विज़िट कर लें। 50 रुपये एंट्री थी हमारी, तो हमने तो कुछ लिया ही नहीं। अभी आगे पता नहीं क्या टिकट है। दो माँ पुत्र इतने पानी थे चिप्स दी पार्टी पे करें दें शुक्र ही लदेन हूँ बस असी जुलां किधर इस्लामाबाद रुकेंगे। साड़ी भांजी हजूर आना जूने तो नहीं निकलते पैसा आके असी दही बल्ले तक खा के ना और गप्पे आ रहे हैं ना साड़ी भाजी ना तबीयत भी खराब है। चलो जी साढ़े को गप्पे हो रही भी आ रहे हैं तो बहुत हद त्रुट गए हैं हूँ सेहत को नहीं रही भाई सोड़ी भैणा दी। चलें जी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और गर्मी मेन मसला गर्मी होता है ना। जगह बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी जगह थी चीजें थी एंजॉय करने के लिए लेकिन और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उस वजह से इतना एंजॉय हम नहीं कर सके लेकिन ये था कि पिक्चर्स वगैरह और ओवरऑल अच्छा था। मम्मी लोग 12 खाओ के रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए हमने कहा हम यहां से फालूदा ट्राई कर लें और एक बच्चे का ओलिवर देखें। फालूदा तो खैर पसंद नहीं ला उन्होंने पर चख के दसे सुन बाजी और सही होगा नॉर्मल सा शुगर एक ही मंगवाया गुजारा शर्म करो गड्डी लगती है।